रियलिटी और फिक्शन की लाइन को ब्लर करने वाली मूवी टार में आप देखेंगे लीडिया टार, जो बहुत सारे गोल्ड मेडल ट्रॉफी से लैस एक रेनाउड और ब्रिलियंट म्यूजिक कंपोजर कंडक्टर हैं। उनकी लाइफ की आइडियोलॉजी है कि वो आर्ट और आर्टिस्ट को अलग रखती हैं, यानी देयर इज़ अ डिफरेंस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। इस समय वो अपने पावर की पीक पर हैं, बहुत ऐसे डिसीशंस ले लेती हैं जो दूसरों के लिए क्वेश्चनेबल जोन में आते हैं और जिसकी वजह से वो हो जाती हैं शिकार कैंसल कल्चर का। उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कोलैप्स हो जाती है और फिर क्या कुछ होता है इसे बहुत अच्छे से दिखाया गया है इस मूवी में। ये कैरेक्टर इस तरीके से गढ़ा गया है, इसमें इतनी डेप्थ है, इतनी लेयर्स है कि आप एक बार गूगल करने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये किसी की रियल लाइफ है, क्या हम किसी की बायोपिक देख रहे हैं। लेकिन ये बायोपिक एक फिक्शनल कैरेक्टर की है जिसे बखूबी, फ्लॉलेसली और ब्रिलियंटली निभाया है केट ब्लांचेट लें। और मैं चाहूँ कि इस बार जो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस और टार में कंपटीशन चल रहा है बेस्ट एक्ट्रेस का, उसमें इन्हीं को मिले कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट रोल था। दैट्स इट, बाय।